आप देख रहे हैं कर्मचारियों और सरकारी योजनाओं से जुड़ी खबरों का आपका अपना चैनल एम्प्लॉय खबर। नमस्कार दोस्तों, एम्प्लॉय खबर चैनल के एक और नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत। दोस्तों, इंडियन रेलवे की ओर से चलाई गई विशेष ट्रेनों की कुछ विशेष श्रेणियों में आपको जो है वेटिंग टिकट भी यहां पर अब मिलेगा। भारतीय रेलवे की ओर से 12/5/2020 से शुरू की गई विशेष ट्रेनों की विभिन्न श्रेणियों के लिए सीमित रूप से प्रतीक्षा सूची टिकट यानी कि वेटिंग लिस्ट यहाँ पर जो है जारी करेगा, लेकिन इन विशेष ट्रेनों में भी आरसी की सुविधा आपको नहीं मिलेगी। कोरोना के चलते लगाए गए विशेष लॉकडाउन के कारण यहाँ पर जो है विभिन्न शहरों से यानी कि 15 विभिन्न शहरों से ट्रेनें अभी चलाना शुरू कर दी गई है और रेलवे मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि 22 मई से कुछ और अन्य ट्रेनें भी यहाँ पर चलाई जाएगी, जिसमें मेल और एक्सप्रेस ट्रेन भी यहाँ पर शामिल होगी। तो किस कैटेगरी के अंतर्गत, किस क्लास के अंतर्गत कितनी प्रतीक्षा सूची यानी कि वेटिंग लिस्ट यहाँ पर जारी किया गया है, तो उसके लिए यहाँ पर आप जो है रेलवे मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया एक प्रपत्र भी देख पा रहे होंगे। साथ ही इसे जो है हमने हमारे ब्लॉग employkhabar.com पर भी जारी करके आपको सुविधा के लिए प्रकाशित कर दिया है। तो फर्स्ट एसी में 20 लोगों की जो है वेटिंग टिकट यहाँ पर ली जाएगी। यहाँ पर एग्जीक्यूटिव श्रेणी के अंतर्गत भी 20 लोगों की वेटिंग टिकट यहाँ पर ली जाएगी। सेकंड एसी के अंतर्गत 50 लोगों की, थर्ड एसी के अंतर्गत 100 लोगों की वेटिंग टिकट यहाँ पर जो है जारी की जाएगी। एसी केयर कार के अंतर्गत 100 लोगों की, यानी कि यह तभी लागू होगा जब भविष्य में चेयर कार श्रेणी के साथ कोई ट्रेन शुरू की जाएगी। अभी जो है इस तरह की एसी चेयर कार के जो बोगीज है उन्हें जो है चालू नहीं किया गया है। स्लीपर के अंतर्गत 200 यहाँ पर वेटिंग लिस्ट चालू की गई है। यह भी तब लागू होगा जब भविष्य में स्लीपर श्रेणी के साथ ट्रेनों को चालू किया जाएगा। अभी जो ट्रेनें चालू है उसमें स्लीपर श्रेणी या एसी चेयर कार श्रेणी जो है चालू नहीं है। 22 तारीख से हो सकता है इसमें जो है, यदि गृह मंत्रालय की तरफ से कुछ गाइडलाइन आती है, तो इसे जो है चालू किया जाएगा। 22 तारीख से कुछ विशेष ट्रेनों को और चलाने की अनुमति दी जा रही है। इस प्रतीक्षा सूची से संबंधित कुछ नियम भी इसमें जारी किए गए हैं। कोई भी तत्काल या प्रीमियम तत्काल कोटा उपलब्ध नहीं है, यानी कि आप चाहो कि भाई तत्काल टिकट आप बुकिंग कर सकते, ऐसा नहीं है। दिव्यांगों, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं के लिए आरक्षण को मौजूदा निर्देशों के अनुसार लागू किया जाएगा। शुल्क वापसी नियम यानी कि ट्रेन खुलने के 24 घंटे पहले 50% शुल्क वापसी और ट्रेन खुलने के 24 घंटे के अंदर शून्य शुल्क वापसी को रद्द कर दिया जाएगा और मौजूदा शुल्क वापसी नियमों में रेलवे रद्दीकरण और वापसी नियम 2015 के अनुरूप लागू किया जाएगा। उपरोक्त परिवर्तनों को 22 मई 2020 से होने वाली ट्रेनों के लिए लागू किया जाएगा जिनकी बुकिंग 15 मई 2020 से शुरू होने जा रही है। तो 22 मई से कुछ और ट्रेनें यहां पर चालू होने वाली है, जिसमें कि आपको वेटिंग लिस्ट के अंतर्गत भी आप यहां पर जो है अपनी बुकिंग करवा पाएंगे। तो आई होप कि हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप भी यदि एक शहर से दूसरे शहर इन विशेष ट्रेनों के माध्यम से यहाँ पर आवागमन करना चाहते हैं तो आपको जो है ये जानकारी यूजफुल रही होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा एम्प्लॉय खबर चैनल के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।